चरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगंधगुणातान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यस माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवा अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम महिमा का उपदेश करना। दसवां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो परम लक्ष्य याद रखिएगा, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त करनी है हमको, हमको उनका प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। ठीक है, तो कल हमने 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 6ठे श्लोक का चर्चा किया। हमने 6ठे श्लोक में आते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम ममः। तो हमने कल इसमें आधा श्लोक चर्चा कर ली थी, श्लोक मतलब आधा तात्पर्य चर्चा कर ली थी और आखिरी के 2 पैराग्राफ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा हम इस पे रिविजन चर्चा कर लेते हैं। श्लोक का अर्थ है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, मतलब कि भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। पिछले श्लोक में बताया जो है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, है ना। तो हमने देखा कि भगवान अपने धाम के बारे में बताया कि कौन व्यक्ति की एलिजिबिलिटी क्या है जो मेरे धाम में जा सकता है। तो इसमें 7 गुणों का वर्णन किया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगे और जो है एक द्वंद्वैर विमुक्ता, इस तरह से 7 गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे गुण वाला व्यक्ति ही मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है, ऐसा बताया अर्जुन को। फिर अगले श्लोक में बताया, अपने धाम के बारे में वर्णन किया कि कौन सा धाम है, ऐसा क्या धाम है मेरा, ऐसा जो धाम है उसकी क्या विशेषता है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा जो मेरा धाम है, निज धाम है, वो धाम में ना तो सूर्य ना ना चंद्रमा या अग्नि या बिजली के प्रकाश की जरूरत है। पहला पॉइंट हो गया,
कि वहां भगवान के धाम में जो प्रकाश होता है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा और प्रकाश, बिजली, अग्नि, इन सब के लिए नहीं। सूर्य भी रहता है वहां, चंद्रमा भी रहता है, लेकिन प्रकाश के लिए नहीं रहते वहां पे, वो भगवान की सेवा के लिए वहां रहते हैं। और हमने कल भी चर्चा करी थी कि भगवान से खुद इतना तेज निकलता है कि सूर्य को अपना एक अंश मात्र भगवान प्रकाश देते हैं, जिससे सूर्य प्रकाशित हो जाता है। तो इतना प्रकाश है भगवान के अंदर, तो उनको जरूरत ही नहीं है उस धाम में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की। और हमने कल चर्चा करी थी कि जो गोलोक धाम होता है, जो वृंदावन वैकुंठ होते हैं, वहां से इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वहां उसी प्रकाश से सारा आध्यात्मिक जगत जो है प्रकाशमान होता है। और उसी प्रकाश को ब्रह्म तेज भी कहा जाता है, जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहला साक्षात्कार का स्टेप होता है वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, और ब्रह्म साक्षात्कार वही ज्योति होती है, और वही ज्योति के आगे जो देख नहीं सकता, वो सिर्फ प्रकाश देखता है, वो ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं पहुंच सकता। जैसे कि अंधेरे में हम आने वाली गाड़ी की लाइट देख सकते हैं, लाइट के पीछे क्या है वो नहीं देख सकते, गाड़ी कौन सी है, कौन चला रहा है, ये नहीं देख सकते, सिर्फ लाइट देखते हैं, तो लाइट के पीछे की गाड़ी नहीं दिखती। वैसे ही जो लोग भगवान के निराकारवादी, मायावादी, निर्विशेषवादी, जो भगवान के आध्यात्मिक जगत के लिए तपस्या करते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ कहते हैं कि बस एक तेज है, बस एक शक्ति है, बस एक एनर्जी है जो काम कर रही है, वो उस प्रस तेज तक पहुंच पाते, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं। ठीक है, इसके बाद का साक्षात्कार होता है परमात्मा का साक्षात्कार, और उसके बाद फाइनल साक्षात्कार जो होता है वो भगवान का स्वयं स्वरूप का साक्षात्कार होता है, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो पहला पॉइंट जो हमको इस श्लोक में समझ में आया कि वहां पे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की जरूरत प्रकाश के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां चले जाता है वहां से उसको वापस आता ही नहीं। जो उस जगत को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है, वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? आता है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं आता है ना? जब किसी के पास सब कुछ रह जाएगा, सब कुछ उसके पास होगा, तो वो क्यों आएगा किसी और चीज के लिए, डिमांड के लिए? आज हम देखते हैं, अगर कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, तो वो किसी गरीब के घर में क्यों आके रहेगा? नहीं रहेगा, उसके पास वहां सब कुछ है, उसको जरूरत नहीं है आने की, लेकिन वो आ सकता है प्रभु की इच्छा से आ सकता है, प्रधानमंत्री की इच्छा से आ सकता है कि जाओ देख के आओ क्या चल रहा है वहां, तो आ जाएगा वो अपनी इच्छा से, उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी वहां आने की। वैसे ही हमारी जो इच्छा होगी वहां, वहां सब कुछ मिल रहा है भगवान के जगत में, वैकुंठ मतलब कोई कुंठा नहीं है, वहां सब सुख है, सब सुविधाएं हैं, जो इच्छा होती है वो वहां प्राप्ति हो जाती है। वहां पे न जन्म है न मृत्यु है, न जरा है न व्याधि है, न बुढ़ापा है न बीमारी है, न भूख प्यास के लिए श्रम आदि है, न पसीना है, न कोई मल मूत्र त्याग करने की वहां पे जगह है, वहां सब सच्चिदानंद है। आप जो है ना, जो इच्छा करोगे वहां सब मिलेगा। वहां सिर्फ एक ही चीज है, भगवान कृष्ण की प्रेम, सारे के सारे लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण की प्राप्ति और उनका गुणगान ही करते रहते हैं। तो एक छोटी सी ना मैं वर्णन करता हूँ, जब जो चार कुमार थे, जब चार कुमार वैकुंठ में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, तब जब हमने चर्चा करी कि छह द्वार वो क्रॉस कर गए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह द्वार होते हैं, और इसके बाद सातवां द्वार होता है शुद्ध सत्व का, वैकुंठ लोक में। इन सातों द्वारों को जो क्रॉस करता है वो ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। तो सातवें द्वार में उनको मिल गया जय विजय, जहां जय विजय ने उनको रोक दिया द्वारपालों ने। तो वो जैसे ये छह क्रॉस कर गए ना, उन्होंने काफी लोगों को आते जाते देखा, चार कुमारों ने। तो जो वहां वैकुंठ लोक के निवासी होते हैं वो भगवान के ही स्वरूप वाले होते हैं, उनके भी चार हाथ होते हैं, सेम भगवान के जैसे ही दिखते हैं। तो जो छे, छे चार छह लोग जो भी वहां से निकल रहे थे, तो चार कुमारों ने जब देखा, तो चार कुमारों को लगो अरे यही तो भगवान है। उन्होंने सबने मिलकर प्रणाम किया, हे
आप ही भगवान हो, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो। क्योंकि वो पहली बार गए थे, उनको मालूम नहीं था कि भगवान के स्वरूप, सबके स्वरूप भगवान जैसे होते हैं। तो जैसे उन्हें प्रणाम किया तो जो भगवान के पार्षद थे वो उन्होंने बोला, नहीं, ऐसा बोलो ही मत, हम भगवान नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं, हमको ऐसा सुनना भी नहीं, हम प्रभु के सेवक हैं, ऐसा बोल के चल गए दौड़ के। तो सोचो, भगवान के धाम में जो भी भगवान के साथ रहते हैं, उनके पार्षद, उनको स्वयं भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन उनके अंदर खुद की प्रशंसा, खुद की मान का कोई अभिलाषा नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरणागति रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सेवाएं हो, जो मान प्रतिष्ठा हो, कृष्ण की हो, हम तो उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, ऐसा मान होता है। तो ठीक है, तो न तद भाष्य यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहां भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है, भगवान इतने करुणावान है, खुद इतने अच्छे हैं कि जो भगवान की प्राप्ति करता है उनको अपना स्वरूप दे देते हैं, है कि नहीं। हम आज स्वरूप के पीछे ही पागल होते हैं, है ना। कोई लड़का लड़की देखता है, कितनी सुंदर है, हाय हाय कितनी सुंदर, उसके स्वरूप को देख के पागल होते हैं। भगवान का स्वरूप सोचो, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सुंदर है, भगवान से सुंदर कोई और है ही नहीं। कृष्ण मीन्स सर्व आकर्षण इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही यही होता है जो सबको आकर्षण कर दे। तो कृष्ण के पास ऐसा स्वरूप है जो सबको आकर्षण करता है, और सोचो वो अपना स्वरूप सबको दे देते हैं वहां पे। कोई ऐसा नहीं कि नहीं मेरे मेरा स्वरूप कोई नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। भगवान भगवान अपना स्वरूप दे देते। तो वहां जाने के बाद कोई वापस आने की इच्छा क्यों करेगा? इच्छा एक ही कंडीशन में करेगा, जब भगवान चाहेंगे, उनकी खुशी के लिए आ सकता है, अदरवाइज कोई उसकी इच्छा नहीं होती है। तो जो हम साधन सिद्ध हैं, हम जो कृपा सिद्ध, मतलब साधना करते हैं फिर कृपा मिलती है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है हमारी, तो हम उसके बाद दोबारा आने का प्रयास नहीं करते। हम सिर्फ कृष्ण की इच्छा होती है, तब उनकी लीलाओं में, उनके प्रचार के लिए, तब जब मुक्त आदमी होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, वो आते हैं इस संसार में। जैसे हमारे शील प्रभुपाद, भगवान की इच्छा हुई होगी तब वो इधर पे आए, इस संसार में, भौतिक संसार में। और लास्ट पॉइंट है, तद धामम परमम ममः, भगवान कह रहे हैं कि वह धाम परम है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब सर्वश्रेष्ठ धाम भगवान कृष्ण का धाम। तो ये तीन चार पॉइंट हैं इस श्लोक से जो हम समझ सकते हैं कि वहां सूर्य चंद्रमा है लेकिन प्रकाश के लिए नहीं है, वहां पे जाने के बाद दोबारा कोई आता नहीं है, और वो परम धाम। सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दिनवित प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे आपने बोला कि भगवान की इच्छा से वो आते हैं ना वहां से परम धाम से, तो उसके बाद अगर वो संसार में आके वो भटक जाए तो क्या फिर वो वापिस भगवत धाम नहीं जा सकते? फिर वो उलझ जाते हैं 84 के चक्कर में ऐसा कि नहीं वहां होता पे है, ऐसा नहीं होता है। वो आके क्यों फंसेंगे जब उनको सब मालूम है? एक्चुअल में देखो, ये सब लीलाएं होती हैं। हम हमारे लिए ना, एक बार बताओ, भगवान कृष्ण जब आए संसार में तो वो क्या चाहते, तो युद्ध को नहीं रोक सकते थे क्या? वो जो है ये युद्ध महाभारत को रोक नहीं सकते थे क्या? जब परमात्मा के रूप में दुर्योधन के भी हृदय में है, तो परमात्मा के रूप में दुर्योधन के हृदय में क्यों नहीं उन्होंने ये ज्ञान प्रकाशित किया कि भाई ये सब बंद करो, ये सब उचित नहीं है, लड़ाई मारधाड़ ठीक नहीं, क्यों नहीं किया? कर सकते थे, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। वो अपने आप को कहीं पे भी, किसी के भी कार्यों में, कर्मों में बाधा नहीं डालते। वो जो आपकी यथा इच्छा सी तथा करु, भगवान कहते हैं जो आपकी इच्छा हो वो करो। लेकिन मुक्त जो पुरुष होता है, जो मुक्त जीव होता है, वो भगवान के स्वरूप को जानता है। वो इस संसार में सिर्फ भगवान की इच्छा से आता है, खुद की इच्छा नहीं रहती होती। क्यों? जैसे हम जड़ भरत की कहानी सुनते हैं, जड़ भारत महाराज इतने ज्यादा सिद्ध थे कि जब वो हिरण की योनि में गए तो उनको अपनी पूर्व योनि की सारे कर्म याद थे, है कि नहीं? हिरण में शरीर में रहते हुए भी सब याद था। उसके बाद तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में, तब भी उनको सब याद था, दोनों जन्मों का हर कुछ याद था। वो उस जन्म में न पढ़े न लिखे, लेकिन उनका ज्ञान सबसे उत्कृष्ट था। राजा रघुगुणा को उन्होंने ज्ञान दे दिया,
कहाँ से सीखा क्या उन्होंने? नहीं, ये उनके पिछले जन्मों का याद था उनको, जो सब उन्होंने उस समय फिर ज्ञान का वर्णन किया। उसी प्रकार जो सिद्ध सिद्ध व्यक्ति आता है, उनको सब याद रहता है, वो कुछ भूलते नहीं है, उनको सब मालूम रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं का पार्ट बन के वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो फंस जाते हैं, वो मुक्त ही रहते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य में थे। तात्पर्य में दो पैराग्राफ हमने कर लिया था, तीसरे पैराग्राफ से पेंडिंग था हमको पढ़ना, तो हम तीसरे से पढ़ेंगे आज। ठीक है, तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इच्छा करनी। मैं आपको बता दूं, हमारा अपने ऊपर भी बस नहीं चलता, हमारा इस शरीर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, हम सिर्फ इच्छा करते हैं और परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और वो हमारे शरीर को उस अनुसार चलाते हैं। हम इच्छा करते हैं दौड़ने की, तो हमारे शरीर को परमात्मा आदेश देते हैं कि दौड़िए, तब शरीर दौड़ता है। हम सोने की इच्छा करते हैं, तब परमात्मा हमारे शरीर को आदेश देते हैं कि अब सोना है, तब सोता है। तो हमारा खुद के शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, जब शरीर का कंट्रोल छोड़ देता है, तब वो चाहता है कि मैं हाथ उठाऊं, मैं पैर हिलाऊं, दौड़ूं, लेकिन दौड़ नहीं सकता, इच्छा होते हुए भी नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसकी अनुमति नहीं दी है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक काम हम कर सकते हैं कि हम इच्छा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं ना, तो भगवान हमको उसमें मदद करते हैं और हम भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान ही सारे साधन इकट्ठे करके हमको देते हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है इसमें कि एक बार क्या हुआ, छोटी सी चिड़िया थी, उसने अंडे दिए थे समंदर के तट पे, है ना। तो एक बार ज्वारा आता है, जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, है ना, तब जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तब वो अंडे समंदर के अंदर समा गए और उस चिड़िया को बहुत क्रोध हुआ और उसने बोला, समंदर तूने ये क्या कर दिया, मेरे अंडे कैसे तूने अपने अंदर ले लिए, मेरे को मेरे अंडे वापस कर। तो उस चिड़िया के लिए उसने चिड़िया ने बहुत बार बोला, समंदर ने मजाक उड़ाया उसका, तेरी बात मैं सुनूंगा, बोले तू है कौन। तो चिड़िया को बहुत क्रोध आया और उसने संकल्प किया कि अब मैं समंदर को खाली कर दूंगी, सुखा दूंगी समंदर को, पूरा पानी खाली कर दूंगी। और उसने ये इसका प्रयास किया चालू, ठीक है, उसने अपनी चोंच से पानी उठा उठा के बाहर डालना चालू कर दिया। अब बोले, समंदर मैं तुझे खाली कर दूंगी। तो कुछ समय तक तो ये सब देख के लोग सब हंसते रहे, बाकी लोग, ये क्या कर रही, चिड़िया बेवकूफ है क्या, ये क्या कर रही, समंदर को कोई खाली कर सकता है क्या? बोले, नहीं कर सकता। हंसते रहे हंसते रहे, समंदर भी हंसता रहा कि ये क्या कर रही, इससे कुछ नहीं होने वाला, तेरी अनेक पुश्तें अनेक योनियां निकल जाएंगी लेकिन समंदर कभी खाली नहीं होगा। तो जब इस तरह की चर्चा चलती रही चलती रही, तब ये चीज गरुड़ महाराज को पता पड़ी कि गरुड़ महाराज पक्षियों के जो है राजा हैं। तो बोले, मेरे ही प्रजा की एक छोटी सी चिड़िया जिसके अंडे जो है ना समंदर ने अपने अंदर समा लिए हैं, उसको वापस नहीं कर रहा और उसने प्रतिज्ञा ले ली कि समंदर को खाली कर दूंगी। तब उनको पता पड़ा कि बहुत समय से चिड़िया प्रयास कर रही है उसको खाली करने का। तब गरुड़ महाराज को बहुत करुणा आई और वो स्वयं आए उस चिड़िया के पास, बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? तो चिड़िया ने बताया सारा अपना वृत्तांत बताया, ऐसा ऐसा हुआ है। तब गरुड़ महाराज को भी दया आई और गरुड़ महाराज ने समंदर को कहा, समंदर इसकी अंडे वापस कर दे, नहीं तो अभी मैं तुझे सुखा दूंगा। तब जो है गरुड़ महाराज के डर से समंदर ने वो अंडे सारे के सारे चिड़िया को वापस कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक ना एक और एड की मेरे को याद आ रही है, एक एड आती थी पहले टीवी में कि एक ना पेड़ गिर जाता है रोड में और सब गाड़ियां पीपी पीपी बजाती रहती है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो पेड़ ब्लॉक कर देता है ट्रैफिक को।
कोई उठता नहीं है, सब खाली पीप पीप करते रहते, समय निकलता रहता है। तो एक छोटा सा बच्चा स्कूल का बैग लिया हुआ रहता है, वो स्कूल का बैग उतारता है, पानी भी गिरता रहता है, और जाके उसको हाथ लगाता है पेड़ को। किसी ने ध्यान है किसी को वो ऐड है ना, वो हाथ लगाता है जबकि पेड़ तो हिलने वाला नहीं उससे, लेकिन वो जब ऐसा करता है तो दूसरे लोग भी धीरे 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 करके उसकी मदद करने आते हैं, और सब जब इकट्ठे 50 लोग हो जाते हैं तो पेड़ साइड हो जाता है, फिर सब अपना ट्रैफिक चालू हो जाता है और चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य पे। तो इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली, हमारे में शक्ति नहीं होती है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, लेकिन हम इच्छा करते हैं तो भगवान उसको पूर्ण करने की व्यवस्था करते हैं, है ना। छोटे बच्चे में क्षमता नहीं थी कि पेड़ को साइड कर सके, लेकिन इच्छा थी, उसने प्रयास किया तो भगवान ने उसकी मदद की। छोटी चिड़िया में इच्छा थी कि मैं वापस पाऊं और समंदर को सुखा दूं, लेकिन उसमें इतना योग्यता नहीं थी, फिर भी उसने कार्य किया, प्रयास किया, तो भगवान ने उसका मदद की और गरुड़ जी को भेज दिया। तो इसी प्रकार हम सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करेंगे और प्रयास करेंगे तो भगवान खुद स्वयं हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जिससे भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है ना, इजी हो जाती है। उनके बातों पे, उनके कहे हुए मार्ग पे चल के हम आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इच्छा यही पे, ये जो इच्छा है इसका मतलब यही है कि उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। मतलब जो ये एक भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, ये सच्चाई नहीं है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में कभी कोई राजा बन जाता है, सपने में कोई जो है जादूगर बन जाता है, कभी प्रेसिडेंट बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, फिर उठता है तो अरे क्या तो सपना था बोले। तो जब सपने में हम रहते हैं तब क्या हमको ये भान रहता है कि मेरा नाम ये है, मैं इधर का रहने वाला हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो ये तकलीफ में हूँ, मेरे पास ये है, ये कुछ भान रहता है? नहीं रहता है। हम सपने में जब रहते हैं तो पूर्ण रूप से सपने के किरदार में ही रहते हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं। हम ये नहीं मालूम रहता कि मैं सो रहा हूँ, है मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये कुछ याद नहीं रहता है। जो हम सपना देखते हैं उसको सच मानते हैं। तो ऐसे ही है ये हमारा जीवन भी, है ना। हम आज जिसमें जी रहे हैं, क्या पता जब कल मर के आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये भी हमको एक सपना लगेगा। कहते हैं ना, सपने में आदमी शेर देख के डर जाता है। सपने में कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं ना तो एकदम ऐसा शरीर थोड़ा सा हिल जाता है, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, चोट लगती है। तो एक्चुअल में वहां पे सपने में तो चोट लगती है, उसका जो है ना तकलीफ होती है। तो बेसिकली सपने में जो होता है उसका भान सपने में रहता है, जब कई बार उठ भी जाते तो पसीना पसीने हो जाते हैं, अरे बाप रे मैंने ऐसा सपना देख लिया, मेरे को तो डर लग रहा है, हाय हाय ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो बेसिकली सपने के जो तजुर्बे होते हैं वो सपने में सही होते हैं, लेकिन जब उठ जाते हैं हम तब पता पड़ता है अरे ये तो सपना नहीं है भाई, अच्छा हुआ उठ गया, मेरे को तो बड़ा खतरनाक सपना आया था। तो वैसे ही हम अभी इस संसार के सपने में फंसे हुए हैं, एक दिन जब जागेंगे भगवान के पास जाके तब देखेंगे हाय मैंने कितनी सारा समय कितनी योनियां निकाल दी भगवान आपसे दूर रह के, हाय अब मैं ऐसी इच्छा दोबारा नहीं करूंगा भगवान, आपसे दूर रहने की कभी इच्छा नहीं करूंगा, अब जो है ना अब सीख गया मैं, ये होने वाला है एक्चुअल में। तो हम इच्छा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और इस प्रतिबिंब जो ये सपने वाला जीवन है इससे बाहर निकलने का अभी से प्रयास करेंगे तब हम इससे उठ पाएंगे, नहीं तो उठेंगे नहीं, हम सोते रह जाएंगे, ठीक है। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर हो जाता है। एक्चुअल में आसक्ति ही हमको इस संसार में फंसा के रखती है ना। जितना जितना हम अपनों से, अपनों मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा सुंदरता, मेरा शरीर, ये जितना हमारे अंदर रहेगा ना,
उतना हम इस संसार में फंसते रहेंगे। उतना हमने चर्चा करी ना, जो शाखाएं हैं, ऊपर की शाखाएं जो है ना अच्छी योनियां हैं, नीचे की शाखाएं नीचे की योनियां हैं। हमने पढ़ा था 15.01 में ना, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्रारुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। इसके जो पत्ते हैं वो वेदों की छंद हैं, इसकी शाखाएं हैं जो ऊपर और नीचे की ओर हैं, ऊपर की शाखाएं अच्छी योनियां हैं, नीचे की शाखाएं नीचे की योनियां हैं। बस शाखा में इधर उधर हम इधर उधर अपने गुणों के कारण जा रहे हैं, अलग अलग योनियां प्राप्त कर रहे हैं। ऊपर की योनि ऊपर के गुण प्राप्त करने के कारण है, नीचे की योनियां नीचे के गुण प्राप्त करने के कारण है। जितना तमोगुण में रहेंगे उतना नीचे की योनियां मिलेंगी, जितना सत्वगुण में रहेंगे ऊपर की योनियां मिलेंगी। तो बस हम यही काम कर रहे हैं बेसिकली, इनसे बाहर निकलना जरूरी है ना। ठीक है, आगे कह रहे हैं, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है वो तीनों गुण से परे है, वो शुद्ध सत्व है, निर्गुण है। और जितना जितना हम निर्गुण का संग करेंगे उतना उतना हम अध्यात्म में जगत में जाने की काबिलियत को डेवलप करेंगे, है ना। जिस गुण का संग करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी, है ना। कहते हैं ना, उर्ध्व गच्छन्ति सत्व स मध्यम तिष्ठन्ति मध्य तिष्ठन्ति राजस अधो गच्छन्ति तामस। तीनों गुणों का वर्णन है, ऊपर की योनियां सतो गुण में, बीच की योनियां रजोगुण में, नीचे की योनियां तमोगुण में। क्लियर है, एकदम क्लियर। आगे कहते हैं, उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनावत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है ना। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो शीला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, खाली कपड़ों के रंग से आदमी नहीं जा सकता, आदमी भगवान के पास। अगर बोले मैं खाली भगवा पहनूंगा, है ना, और मैं भगवान के धाम चले जाऊंगा, किसी की बीवी छोड़ के चली गई, किसी की बीवी मर गई, तो अब क्या करेगा। अब बोले अब तो कोई बचा नहीं, अब केसरिया धारण कर लो, है सम्मान मिलेगा, और क्या पता मैं भगवान के धाम चले जाऊं। ऐसा नहीं होने वाला। भाव इज इम्पोर्टेंट, अंदर से क्या हो आप ये जरूरी है। कपड़े पहनाने से कोई वैसा नहीं बन जाता, वैष्णव के कपड़े पहनाने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता है, भगवा वस्त्र पहनाने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भगवत धाम, भगवत धाम हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है, हम हैं क्या, है कि नहीं। अगर खराब सब्जी हो है, उसको अच्छे से पैक करके दे दें एक डब्बे में डाल के, तो कोई भी उसको खाएगा नहीं, क्योंकि खोलेगा तुरंत समझ में आ रहा है बदबूदार है ये सब्जी, कोई खाने लायक है। डब्बा तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर का माल बेकार है, वैसी है। कपड़ा तो अच्छा पहन रखा है लेकिन अंदर के विचार गंदे हैं। तो हमको अंदर से शुद्ध होना है, अपने विचारों से शुद्ध होना है, अपने हृदय से भगवान की प्राप्ति की इच्छा करनी है, ना कि खाली बाहरी दिखावा करना है। लोगों के सामने दिखा रहे, चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी, हम लोग सुबह सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं, और दिन भर क्या करते हो। दिन भर तो तुम जो है दूसरों की निंदा करते हो, दिन भर जो बैठ के किसी के साथ जो है गलत कार्य करने के लिए प्लानिंग करते हो, इसका टांग तोड़ दें, उसको कैसे नीचा गिरा दें, आए बदमाशी करते हैं, दूसरे का नुकसान कैसे हो जाए, ये काम कर रहे हो, और प्रभु जी सुबह हम चैंटिंग करते हैं। तो ऐसे भगवत धाम नहीं जा सकते, हमारे को 24 घंटे वैष्णव रहना पड़ेगा, 24 घंटे यही विचार रखना पड़ेगा। वैष्णव के जो 3 गुण होते हैं वो होने चाहिए, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, ये 24 घंटे होनी चाहिए। वैष्णव इज 24 आवर्स वैष्णव। जैसे आर्मी में कोई भर्ती हो जाता है, जब बॉर्डर में उसकी पोस्टिंग होती है, तो क्या वो बोल सकता है कि मैं रात को ड्यूटी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता। अरे लड़ाई हो जाएगी तो 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी तुमको, सायरन बजता है वहां पे, सायरन बजा तो विदिन 5 मिनट तैयार होकर बॉर्डर पे निकलना पड़ेगा, किसी भी समय कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप वॉशरूम में क्यों ना हो, सो क्यों नहीं रहे हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, सायरन बजा तो 5 मिनट के अंदर तैयार होकर खड़ा होना पड़ेगा लड़ाई के लिए। कोई नहीं बोल सकता कि मेरा अभी ड्यूटी का टाइम नहीं है,
वैसे ही वैष्णव 2400 घंटे वैष्णव है, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सुबह के टाइम प्रभु जी वैष्णव रहता हूँ, शाम के तभी टाइम तो मैं भौतिक भोगी बन जाता हूँ, थोड़ा सा भोग भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत धारणा निकालनी पड़ेगी मन से, वैष्णव इज ऑलवेज वैष्णव। ठीक है, आगे कहते हैं, उसे भगवत गीता के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम पिछले 1 साल से चला रहे हैं, भगवत गीता की क्लास करते करते 1 साल हो गया हमारे को, डेली एक श्लोक, डेली एक श्लोक, कभी कभी आधा श्लोक। तो भगवत गीता के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। क्यों आसक्त होना पड़ेगा? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, 4 दिन अगर कोई चीज याद नहीं दिलाता तो हम भूल जाते हैं, है? हम ये तक भूल जाते हैं हमने क्या पहना, हमने क्या खाया 4 दिन पहले, है ना? हिसाब भी लोगों का लेन देन तक भूल जाते हैं, अरे प्रभु जी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या लेन देन है, इतने दिन हो गए कुछ याद नहीं है। तो रोज रोज जब तक हमारे ऊपर इसकी इसका तमाचा नहीं पड़ता हम भूल जाते हैं, है ना? तो वैसे ही है, रोज भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये ज्ञान हमारे अंदर वापस से प्रकाशित होगा, रोज प्रकाशित होगा, तब जाके याद आएगा, अच्छा ओहो मेरा तो उद्देश्य भगवत धाम जाना है, मेरा तो उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है। नहीं तो माया ऐसी है भुला देगी हमारे को 4 दिन में, है? किसी के जीवन में कोई लड़की आ जाती है तो वो दिन भर उसी के सपने देखता है, भूल जाता है अपने घर वालों को, भूल जाता है माता पिता को, भूल जाता है खाना पीना, भूल जाता है सब, भूल जाता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, भूल जाएंगे, अच्छा बुरा कुछ आएगा हमारे जीवन में तो सब भूल जाएंगे, सुख दुख आएगा भूल जाएंगे हम भगवत गीता का ज्ञान। तो रोज पढ़ना जरूरी है, रोज ये ज्ञान जरूरी है हमारे लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो हमने पढ़ा है 12वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक भगवान ने बताया कि क्या कैसे भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले तुम अपना मन और बुद्धि मुझे दो जो सबसे भगवान को प्रिय है, अगर वो नहीं दे सकते तो मेरे लिए कर्म करो, वो नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसी भगवान ने रास्ता बताया है भगवत प्राप्ति के लिए, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 12.8 से लेकर 12 तक। ठीक है, वही 14वें अध्याय में बताया गया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं लेकिन केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो 14वें श्लोक का एक श्लोक ले लेते हैं, ये कौन सा श्लोक है, 14.26, है ना? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवता स गुणान संप्रीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, मेरे प्रति अव्यभिचारी भक्ति, है ना? 14, केवल भक्ति ही भगवान की प्राप्ति दिला सकती है। आगे कहते हैं, यहाँ परम परमम मम बहु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है परंतु दिव्य जगत परम है और छहों ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश तथा या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगी अंतरंगी आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हम वहां जा सकते हैं और किसी रास्ते से हम नहीं जा सकते। तो बेसिकली वहां किसी भी चीज का अभाव नहीं है, वहां पूर्ण मात्रा में हर चीज है, छहों ऐश्वर्यों के भगवान के हम वहां पे सदस्य स्वाद चखते हैं और इसलिए हम वहां से दोबारा आने की कभी भी इच्छा नहीं करते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है और भौतिक जगत 1/4 हिस्सा है ना? 75% सृष्टि का जो है हिस्सा आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है, और जो 25% भौतिक जगत है वो महत्त्व के बादलों से ढका हुआ है, इसलिए आध्यात्मिक जगत की रोशनी यहाँ तक नहीं आती, इसलिए यहाँ पे अंधेरा है और इसलिए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और जो 25% भौतिक सृष्टि है, भौतिक जगत है, उसमें अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा है
और उस एक ब्रह्मांड के 14 लोकों में से एक पृथ्वी हमारी है, और उस एक पृथ्वी में अनगिनत जीवों में से एक जीव हम हैं, तो भी हम अभिमान करते हैं, तो भी हम मान की आशा रखते हैं। हमारी क्या, इतनी बड़ी सृष्टि में हमारी वैल्यू कितनी थी, किसको क्या लेना देना हमारे से, तो भी हम इतना अपनी मैं तो ये, मैं तो वो, मैंने ये प्राप्त कर लिया, में लगे रहते हैं, मैं। बकरी करती है मैं। हमको नहीं करना चाहिए मैं। हमको भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं आज। यस गौतम प्रभु, कहिए, आपका म्यूट है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, कल की क्लास में इसके इस्तेमाल प्रभु जी भी बता रहे थे, मतलब नित्य सिद्ध के बारे में, कि जब मतलब वो जब यहाँ पे मतलब भौतिक जगत में आते हैं तो उन्हें कभी भी भगवान का मतलब ना, मतलब हमेशा भगवान का स्मरण रहता है उनको, कभी वो भगवान को नहीं भूलते हैं। वही तो मैंने बताया ना भाई, जैसे जड़ भरत महाराज की मैंने कथा बताई, उनको हर चीज स्मरण थी पिछली, वैसे ही जो नित्य सिद्ध या सिद्ध वहां से जीव आते हैं तो उनको सब स्मरण रहता है। वो लीलाओं में ही खाली खेल खेलते हैं, बताने के लिए कि भगवान की लीला का मैं एक पार्ट हूँ छोटा सा, इसलिए उनको याद सब रहता है, वो कभी भूलते नहीं। बिल्कुल सही है प्रभु ये बात। और प्रभु जी एक चीज था, प्रभु जी कल मैं आपने जो दिए थे उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें ना 26 पॉइंट बताए थे मतलब भगवत धाम जाने का, अभी यहाँ पे मतलब इतने 7 पॉइंट बताए हुए, 8 पॉइंट बताए हुए, जिससे तो देखिए, ये 7 पॉइंट ही मोस्ट। ये एक्चुअल में 7 पॉइंट का ही सब कैटेगरीज मान सकते हैं हम, बेसिकली वो सब इसी में ही शामिल हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है, जैसे 24 तत्व होते हैं ना, हमने पढ़ा था कौन से 13वें अध्याय में पढ़ा था ना, 8 से 12 श्लोक में, कि 24 तत्वों से बना ये शरीर, तो वो 24 तत्व को आप बढ़ा के 30 भी बता सकते हो। 3 गुणों को अलग कर दो, उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको 28 बता दो, 27 बता दो, आत्मा को भी शामिल कर दो, महातत्व को भी शामिल कर दो, तो ऐसा बेसिकली वो 24 भगवान ने बता दिए तो 24 ही मानेंगे, लेकिन बढ़ा के उसको 30 तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो 7 है, बेसिकली भगवान ने 7 बताए हैं, इसको बढ़ा के आप ज्यादा भी ले जा सकते हो, इसी की सब कैटेगरीज हो जाएंगी और डिटेल्ड हो जाएगा, कहने का मतलब है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, मैंने सोचा था कि 2 अध्याय के 9वें श्लोक का एक पैराग्राफ है, वो जो मैंने बताया था उसको मैं पढ़ूंगा, ताकि लोगों को अध्यात्म जगत के बारे में पता पड़े। यस, पहले प्रश्न ले लेते हैं स्वपन प्रभु का, बताइए। हरे कृष्ण गुरुदेव, हरे मेरा कृष्णा। छोटा सा प्रश्न, मुक्ति के बाद जीव की स्थिति क्या रहती है और आध्यात्मिक शरीर कैसे रहता है, और भगवान से क्या आध्यात्मिक शरीर से आमने सामने बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आपका आदान प्रदान होता है, जैसे आप और मेरा कर रहे हैं ना, वैसे ही भगवान के साथ आप साक्षात्कार करते हो, उनके साथ खेलते हो, उसके साथ बात करते हो, भगवान की सेवा करते हो, उनको हाथ दबाते हो, पैर दबाते हो, गले लगते हो, खेल खेलते हो, सारा काम करते हो। वहां पर जो शरीर मिलता है वो हमको दिव्य शरीर मिलता है, जो सत चित आनंद है। जैसे आज का हमारा शरीर, आप हमारे आत्मा का स्वरूप जानते हैं ना, सत चित आनंद होती है ना आत्मा, राइट? जी सच्चिदानंद होती आत्मा, वैसे आत्मा हमारी सच्चिदानंद है, लेकिन इसको जो शरीर दिया गया है वो ना ही सच है, ना ही चित है, ना कि आनंद है, ना ही हमेशा रहने वाला है, ना खुश रहता है, ना ना इसमें नॉलेज है, लेकिन आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो वैसे ही हमारे को शरीर भी सत चित आनंद मिलता है, दिव्य शरीर जिसको कहते हैं, उस शरीर में पूर्ण ज्ञान रहता है, उस शरीर में पूर्ण आनंद रहता है, और वो सत रहता है, मतलब हमेशा के लिए रहता है, कभी नाश नहीं होता उस शरीर का। तो ऐसे शरीर के साथ हम भगवान के साथ रहते हैं, उनका स्वरूप भी मिलता है। मैंने आपको बताया जैसे 4 कुमार गए तो वो उनके स्वरूप वाले वैकुंठ के वासी उनको दिखे, इवन हम अजामिल की कथा में भी सुनते हैं कि
कि तीन दूत विष्णु दूत उनको बचाने के लिए आए, तो स्वयं वो विष्णु के समान दिखते थे, उनके भी चार हाथ थे, उनके हाथ में शंख पुष्प गदा और चक्र थे, सेम विष्णु के स्वरूप होते हैं वो, तो स्वयं स्वरूप भी मिलता है, उनके जैसा शरीर भी मिलता है और स्वयं दिव्य शरीर मिलता है वहां पे। ठीक है, तो एक मैं 2.9.10 ये वाला अगर श्लोक पढ़ते ना आप, इसका तात्पर्य, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती, जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि उनको जो है कैसा शरीर मिलता है, कैसा मिलता है। तो इसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट वाला, सिर्फ सुनिएगा। निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमोगुण के सर्वथा अभाव होने के कारण सृजन या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब भौतिक जगत सृजन होता है, प्रलय होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का न सृजन होता है न प्रलय होता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का सृजन होता है और फिर प्रत्येक वस्तु का विनाश होता है, और सृष्टि तक विनाश के बीच की जीवन की अवधि क्षणिक है। दिव्य क्षेत्र में न तो सृजन होता है न विनाश फलता है, जीवन की अवधि अनंत होती है, मतलब वहां का जीवन अनंत होता है, मृत्यु रहित होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में दिव्य लोक में प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और वह क्षीण नहीं होगी होती। विनाश न होने से काल के संदर्भ में वहां पर न तो भूत है न वर्तमान है न भविष्य है। मतलब वहां काल नहीं है, इसलिए वहां न भूतकाल है न वर्तमान है न भविष्य है। लेकिन हमारे यहाँ भूत भी है, वर्तमान है और भविष्य है, और हम इसके बिना तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है जहां भूत ना हो, ना वर्तमान ना भविष्य, लेकिन वो जगत ऐसा है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वहां काल शक्ति नहीं है। काल शक्ति किसके अंडर काम करती है? भगवान के अंदर काम करती है। ठीक है, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि वहां काल का प्रभाव उनकी अनुपस्थिति से ध्यान खींचने वाली बात है। सारा भौतिक संसार तत्वों की क्रिया तथा प्रक्रिया से प्रकट होता है, जिसे भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय के प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है, किंतु वहां पर कार्य कारण की ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। अतः जन्म वृद्धा वृद्धि अस्तित्व रूपांतर क्षय तथा विनाश का यह कहा चक्र, ये भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। तो जो 6 परिवर्तन यहाँ पाए जाते हैं, पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्रगल होता है, फिर उत्सर्जन करता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर मरता है, ये 6 प्रक्रिया यहाँ होती है, वहां नहीं होती ये 6 प्रक्रिया नहीं। वहां हमेशा एक ही तरुण अवस्था कहते हैं ना, जो 16 साल की उम्र का जो शरीर होता है, बस वही मिलता है वहां पे, अनंत अनंत समय तक वही शरीर मिलता है। ना बीमारी होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना जड़ों में मतलब घुटनों में दर्द आता है, ना पीठ में दर्द आता है, ना ही हमारी स्किन ढीली पड़ती है, ना ही किसी प्रकार की बीमारी होती है, कुछ नहीं होता वहां पे, एक ही शरीर हमेशा के लिए वही मिलता है वहां पे। आगे कहते हैं, यह तो श्री भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई भ्रमणा नहीं है, जैसे कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव शब्द श्री भगवान का अनुचर है, वहां श्री भगवान ही मुख्य नेता है, वहां नायकत्व के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और सारे लोग श्री भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान ही प्रधान नायक हैं और शेष सारे जीवात्मा उनके अधीन हैं, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो वहां ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है, मेरा मुखिया ऐसा हो, मेरा नेता ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। वहां सिर्फ एक ही नेता है, एक ही प्रभु है, कृष्ण है, जिसकी शरणागति सब स्वीकार करते हैं और सब उनकी सेवा के लिए ही वहां कार्य करते हैं, और कोई कार्य नहीं वहां पे, क्योंकि भूख प्यास तो वहां जो चाहो इच्छा से मिल जा रही है। वहां सबके पास अपने अपने वाहन है। वहां इवन मैंने ये तक पढ़ा है कि वहां पे जितनी स्त्रियां हैं वो अति सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, लेकिन उनको देख के काम की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि भगवान की प्रेम से ज्यादा, भगवान की खुशी से, उनकी प्रसन्नता से ज्यादा अच्छा कुछ और लगता ही नहीं है। वहां काम है ही नहीं, काम यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण है। तमोगुण का मुख्य कारण हमने पढ़ा था काम है कि नहीं? काम उत्पन्न तब होता है जब आदमी तमोगुण में रहता है, वहां सतोगुण शुद्ध सत्व है, इसलिए काम उत्पन्न नहीं होता। तो सारे के सारे लोग अपनी पत्नियों के समेत अपने अपने उनके सब सोने के वाहन, सोने के यान बने हुए हैं,
सबके पास अपना अपना एक प्राइवेट प्लेन है, वहां पे वो प्लेन में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, खाली भगवान की प्रसन्नता का ही कार्य करते हैं। ठीक है, प्रभु जी, वैसा उसमें है एक चीज और लिखा था वैकुंठ। जो पूछना था, मेरे को समझ में नहीं आया था। जैसे कि वहां पे सिर्फ चर चर है, मतलब जैसे पेड़ भी है और कोई वहां पे है, तो दोनों सेम सेम मतलब दिखते हैं ऐसा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, चर अचर सब कुछ है, मूवेबल भी है इमूवेबल भी है। एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई हमने पढ़ा है भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, वो भी एक व्यक्ति है, जब भगवान के हाथ में जाता है तो वो सुदर्शन चक्र का स्वरूप अपना अपना लेता है, जब फ्री रहता है तब वो व्यक्ति के रूप में आ जाता है, वो अपना कार्य करता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, कभी वही चावर के रूप में खड़ा हो जाता है कि अब मैं भगवान का चावर बन जाऊंगा, कभी चक्र बन जाता है। तो ऐसा होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लोग अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं वहां पे, कभी पेड़ बन जाता है, तो वही जब भगवान प्रसन्न होंगे पेड़ देख के तब ठीक है, फिर जब भगवान चले गए तो वो पेड़ अपना स्वरूप चेंज करके व्यक्ति के रूप में आ जाएगा। तो ऐसा होता है वहां पे, जरूरी नहीं है जो स्वरूप आपने धारण किया है हमेशा के लिए वो, जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन भी वहां पे व्यक्ति है, गुलाब जामुन की इच्छा होगी कि भगवान मेरे को ग्रहण करें, तो जैसे ही भगवान उसको ग्रहण करेंगे तो गुलाब जामुन ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, भगवान ने खाया तो वो वापस से प्रकट हो जाएगा अपने ओरिजिनल शरीर में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, फिर वो कोशिश करेगा, अब प्रभु आपने मेरे को गुलाब जामुन के रूप में तो खा लिया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको खीर बन के खिलाता हूँ, अब मैं खीर बनता हूँ, अब मेरे को ग्रहण करो, मतलब हर बात में भगवान की प्रसन्नता रहती है। भगवान बोलेंगे नहीं नहीं अभी खीर नहीं खाऊंगा, अच्छा ठीक है भगवान अभी क्या पसंद आएगा आपको, भगवान बोलेंगे चलो अब मैं थोड़ा अपनी गाय चराने जाता हूँ, तो वो रास्ते में चला जाएगा, सुंदर सुंदर वृक्ष बन जाएगा, भगवान यहाँ से निकलने वाले, मैं वृक्ष बन के खड़ा होता हूँ, उनको प्रसन्नता मिलेगी, तो ऐसा होता है वहां। ठीक है, जी जो कुछ कल, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे पढ़ के, मतलब एकदम लगा। ये भगवान की जो है ना वैकुंठ का वर्णन, मैं खुद पढ़ा तो पढ़ता रह गया, बहुत डीप है बहुत। यस माता जी, प्रभु जी कौन सा पढ़े अभी आपने जो पढ़े ना, कौन सा अध्याय पढ़े प्रभु जी? 2.9.10 दूसरा कैंटो नौवा अध्याय 10वां श्लोक। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद माता, ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या कोई अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाह रहे हैं। श्लोक भी याद करके आने बोले थे प्रभु जी। यही वाला तद्भासते सूर्यो वाला, ठीक नहीं है, लगता है आपने याद कर लिया इसलिए रिमाइंड नहीं करा रहे। इसलिए नहीं बोल रहे हूँ प्रभु जी, मेरे तो समय के अभाव से कल, ये पहले से मेरे को थोड़ा याद ही था, मैं तो समय के अभाव से कल वो भागवतम भी नहीं पढ़ पाई थी अच्छा जी। अच्छा अच्छा हुआ कि थोड़ा सा अभी पढ़ लिए, सुन लिए, पढ़ लिए। ठीक है, कल पूछ लेंगे हम ये वाला श्लोक याद करके आइए। क्लास में रहने से ही फायदा है प्रभु जी, कुछ छूट भी जाता है तो वो हो जाता है, नहीं तो अभी क्लास में नहीं हाँ रहते तो ये हम लोग इससे वंचित हो जाते। हाँ ये बात तो है, ये एक्चुअल में मैं यही बताया ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा ना, अपने अनुवाद में पढ़ा, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो मुक्त होना चाहता है ना वो अपनी आसक्ति डेवलप करता है भगवत गीता में, वो भगवत गीता सुनना चाहता है, वो छोड़ेगा नहीं भगवत गीता की क्लास को, जैसे हमारे अखिल आत्म प्रभु जो हैं कभी नहीं छोड़ते। मैं तो आश्चर्य कर गया, खुद का विवाह हो गया, रात को 2 बजे सोए, फिर सुबह उठ के बैठ गए 4 बजे 5 बजे से चैंटिंग कर रहे हैं और बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, इसको निष्ठा बोलते हैं। जो हमने नौ नौ जो लेवल पढ़ा है ना भक्ति के, नवदा भक्ति के, श्रद्धा क्या क्या है बताइए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद, नहीं ये तो जो है अलग है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, निष्ठा के लेवल तक पहुंच गए हैं, है ना, श्रद्धा से स्टार्ट होती है चीज और कहाँ तक पहुंच जाती है। क्यों अमृत प्रभु, प्रभु जी मैं तो अभी स्टार्टिंग में हूँ प्रभु जी, कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, अभी शुरू कर रहा हूँ जस्ट। पहला देखो यही यही वैष्णव का श्लोक गुण है, वो अपने पहला आप को यही श्लोक बोलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये यही वैष्णव का गुण है। हमारे रोहित प्रभु ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को तो कुछ आता नहीं, कोई
मेरे को कुछ नहीं आता। अरे प्रभु जी, हम समझते हैं आपको क्या आता है, हम जानते हैं आपको क्या आता है। तो जो वैष्णव, उच्च वैष्णव होता है ना, वो कभी नहीं बोलता कि मेरे को कुछ आता है, मैं जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो हमेशा नीचे ही लेके रखता है अपने आप को, सबसे नीचे। त्रणादपि सुनिचे न, सबके नीचे। ठीक है, तो जितना जितना भगवत गीता सुनेंगे, जितना जितना भक्तों के संग को ग्रहण करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। हर पद पद पे अमृत का स्वादन होता चला जाएगा, है ना। सर्वात्मा स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का ज्ञान ऐसा है सबके हृदय में आनंद देने वाला है। तो जुड़े रहिए ताकि इस संसार से मुक्ति जल्दी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं। कल ये श्लोक याद करके आइएगा, कल हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के लिए। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरे 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 बोल, हरे बोल, हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, हरे बोल।